हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MKT 610 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs। इन सॉल्व MCQs की फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी और कोशिश की गई है कि जितने भी MCQs हैं इनके आंसर आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। तो पहला है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें सो डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ लॉजिस्टिक्स सिस्टम टू सेटिस्फाई यूजर्स। इनमें से कौन सी जो है वो एबिलिटी है लॉजिस्टिक सिस्टम की कि वो सेटिस्फाई करे यूज़र को इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, डिपेंडेबिलिटी भी, कम्युनिकेशन भी और कन्वीनियंस भी। सो वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है वो एबिलिटी है लॉजिस्टिक सिस्टम की कि वो सेटिस्फाई करे यूज़र को इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, डिपेंडेबिलिटी भी, कम्युनिकेशन भी और कन्वीनियंस भी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सेल्स पीपल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन है अच्छे सेल्स के लोगों का, वो है एम्पैथेटिक होना, यानी कि एम्पैथी होना। अच्छे सेल्स के जो लोग होते हैं उनके अंदर एम्पैथी होती है। उसके बाद है फिर ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो सपोर्ट करता है इनमें से कौन से फंक्शन को, वो है फ्रंट ऑफिस का। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सा जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी है। सो वो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज हैं। जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं अगर आप इनका लेवल देखें कहीं पर भी जाकर आप सर्च करें तो आपको लोएस्ट लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी के अंदर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी दिखाई देगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्ट है डिजाइन करने का कंपनी की ऑफरिंग और इमेज को के वो उसकी एक डिस्टिंक्टिव प्लेस बन जाए, एक अलग जगह बन जाए टारगेट मार्केट की के माइंड में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो पोजिशनिंग। पोजिशनिंग के जरिए ही जो है कंपनी की जो ऑफरिंग होती है और जो इमेज होती है वो उसकी एक अलग जगह बन जाती है टारगेट मार्केट के माइंड के अंदर। उसके बाद है कस्टमर रिलेशनशिप इन्वॉल्व ट्रैकिंग द फुल रेंज ऑफ इंट्रैक्शन विद प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स एक्सेप्ट। कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर शामिल है ट्रैकिंग करना जो फुल रेंज इंट्रैक्शन की प्रोस्पेक्ट के साथ भी कस्टमर के साथ भी तमाम एक्सेप्ट को एक को छोड़ के, वो है हायर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। सो इसमें कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट इंट्रैक्शन है, सेल्स इंट्रैक्शन है, मार्केटिंग इंट्रैक्शन। सो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर क्या शामिल है ट्रैक करना फुल रेंज इंट्रैक्शन की कस्टमर प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट्स के साथ एक को छोड़ के, वो है हाई मैनेजमेंट एक्टिविटी। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर क्या होता है कि बाई की जाती है, सही की जाती है प्रोडक्ट या सर्विस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जैसे कि इंटरनेट और दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क, वो है ई कॉमर्स। आज कल ई कॉमर्स काफ़ी कॉमन है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स साइट मौजूद है, वहाँ पर क्या होता है कि बाई सेलिंग होती है प्रोडक्ट की सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, स्पेशली इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोन के ऊपर भी हो सकती है कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर Salesforce.com was one of the first to deliver customer relationship management software over the internet. So Salesforce.com थी पहली जो कि डिलीवर करती थी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ऊपर। सो बहुत सी कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही है CRM ताकि क्रिएट कर सके सेल्स एग्जिस्टिंग, ज़्यादा सेल्स क्रिएट कर सके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ। सो ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर बैंकिंग ऑन द इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश एज अ ग्रोइंग सोर्स ऑफ सेल्स। तो तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं वो बैंकिंग है इनके ऊपर इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस एज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। एक्चुअली ऑटोमेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो है ऑटोमेशन है। उसके बाद है फ्रंट ऑफिस CRM सिस्टम कवरिंग रियल एज टाइम स्पेंट ऑफ सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज रेफर टू एस। सो फ्रंट ऑफिस जो CRM सिस्टम है कवरिंग कर रहा है वो रियल टाइम स्पेंट जो है सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी उसको रेफर किया जाता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के तौर पे। उसके बाद है फिर दैट फेज इन द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस का जो फेज होता है जिसमें सेल पर्सन गैदर करता है एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्ट क्लाइंट बिफोर द सेल्स कॉल इज कॉल्ड। सेल्स कॉल से पहले तो ये कहलाई जाती है प्री अप्रोच, सेल्स कॉल से पहले होती है ये, बिफोर द सेल्स कॉल, सेल्स कॉल से पहले तो ये कहलाई जाती है प्री अप्रोच, उससे पहले है ये। उसके बाद नेगोशिएशन इज अ गिव एंड टेक अवे इन विच बोथ पार्टी ट्राई टू शेप। सो नेगोशिएशन जो है गिव और टेक एक्टिविटी होती है जिसमें दोनों पार्टी क्या करती है ट्राई टू शेप अ डील, एक डील करने की कोशिश करती है जिसमें सेटिस्फाई किया जाए दोनों को। इट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, सो नेगोशिएशन वो कौन सी नेगोशिएशन होगी जिसमें सेटिस्फाई किया जाएगा दोनों को, एक ऐसी डील जहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हों, वो है कोऑपरेटिव नेगोशिएशन। वो कोऑपरेटिव नेगोशिएशन होगी जहाँ पे ऐसी डील की जाएगी जहाँ पे सेटिस्फाई किया जाए दोनों को। उसके बाद है लीड ट्रैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट आर फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लीड ट्रैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट जो है फंक्शनल कंपोनेंट इनमें से किसके, ये तीनों जो बात हो रही है कि लीड ट्रैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट ये है मार्केटिंग एप्लीकेशन के।
उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बुक सेलर्स लाइक दी अमेजोन डॉट कॉम एंड दी बार्नेस एंड नोबल डॉट कॉम आर लाइकली टू इंजॉय स्ट्रॉन्ग सेल्स इन द फ्यूचर बिकॉज बुक्स आर अ प्रोडक्ट डेट कैटेगरी आर अ प्रोडक्ट कैटेगरी डेट। सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बुक सेलर्स हैं मुमकिन है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी सेल हो फ्यूचर के अंदर, क्योंकि बुक्स जो है वो ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि क्या है डेट डू नॉट रिक्वायर प्री परचेज ट्रायल, जहाँ पर रिक्वायर नहीं होता प्री परचेज ट्रायल जो यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट, इनमें से कौन सी जो है वो एप्लीकेशन है इनसाइट की क्रिएट करने के लिए रिलेवेंट इंट्रैक्शन या फिर कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स के साथ कस्टमर चैनल सप्लायर और पार्टनर्स दैट बिल्ड वैल्यू रिलेशनशिप, वो है कनेक्ट। उसके बाद है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है काबिलियत है उसको क्या किया जा सकता है, वो कैन बी लर्न सीखी जा सकती है, उसको सीखा जा सकता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने को सीखा भी जा सकता है। उसके बाद है अ गुड सर्विस और आइडिया कंसिस्टिंग ऑफ बंडल ऑफ टेंजिबल एंड टेंजिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन सेटिस्फाई अ कंज्यूमर इज कॉल्ड। सो गुड सर्विस या आइडियाज जो कंसिस्ट करती है बंडल जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट जो सेटिस्फाई कर सकती है कंज्यूमर को, वो क्या कहलाती है प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है कंज्यूमर को। उसके बाद है टारगेट मार्केट फॉर कुक बुक्स इज प्रेडोमिनेटली फीमेल एंड ओवर 24 व्हाइल द रीडरशिप फॉर कॉमिक बुक्स इज मेनली मेल बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 20। दिस इज इम्पोर्टेंट डैश इंफॉर्मेशन फॉर आर पब्लिशर टू नो। सो जो टारगेट मार्केट है यहाँ पर कुक बुक की वो है मोस्टली फीमेल्स रीड करती हैं कुक बुक्स को और ओवर 25 जिनकी एज है, और इसके अलावा जो रीडरशिप है कॉमिक बुक्स जो मेनली रीड करते हैं वो मेल्स रीड करते हैं और उनकी एज जो है वो 15 to 20 है। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कौन किस तरह की इन्फॉर्मेशन है पब्लिशर के लिए। सो ये डेमोग्राफिक है इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखी जाती है, मेल फीमेल या डिफरेंट और हिसाब से पॉपुलेशन जो देखी जा रही होती है तो ये डेमोग्राफिक के अंदर आती है ये जो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है परचेज करते हुए प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दी बायर एक्सपेक्टेशन, यानी कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है बायर एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में, तो इससे भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। उसके बाद है लॉयल कस्टमर हैज़ विच काइंड ऑफ द रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, एक लॉयल कस्टमर जो होता है उसके किस तरह के ताल्लुकात होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो यहाँ पर इमोशनल रिलेशनशिप है, इमोशनली तौर पे भी वो उसके ताल्लुकात होते हैं, इमोशनली तौर पे कनेक्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्स ऑल दी स्टेप्स इन द सेल प्रोसेस, तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन ऐसा जो ट्रैक करता है तमाम स्टेप्स को सेल्स प्रोसेस में, वो है SFA। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग का, वो है असिस्ट क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद है इंक्विजिटिव इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इंक्विजिटिव जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है इनमें से किस कैटेगरी की, वो करेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्शन मूड कस्टमर की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस इन हिज और हर साइकोग्राफिक्स, सो इनमें से कौन सा जो है वो एक पर्सन का पैटर्न ऑफ लिविंग है, पैटर्न ऑफ लिविंग की जब बात की जाती है तो वो लाइफ स्टाइल जो है वो पैटर्न ऑफ लिविंग है। उसके बाद है द बायर सप्लाई रिलेशनशिप करेक्टराइज बाय अ क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द सेलर अडॉप्ट टू मीट द कस्टमर चेंज, सेलर जो है वो अडॉप्ट करता है कस्टमर की नीड को के मुताबिक without expecting much adoption or change on the part of customer in exchange is referred to, यानी कि सेलर तो उसके मुताबिक चलेगा कि जो कस्टमर की नीड है उसको adopt करें, लेकिन वो ये नहीं expect करेगा कि कस्टमर भी जो है वो adopt करे change को, यानी कस्टमर की साइड पे ज़्यादा expectation नहीं किया जाएगा adoption या change, लेकिन सेलर को लाजमी adopt करना पड़ेगा change जो है वो
जो कस्टमर की नीड है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसको जो है ये कॉन्सेप्ट है कस्टमर इज किंग का कॉन्सेप्ट, जो कस्टमर की नीड है उसके मुताबिक तो सेलर को चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेलर की नीड के मुताबिक कस्टमर चले या चेंज करें। उसके बाद है फिर इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर यूजुअली रेफर्ड टू एज, जो इंटरनली स्ट्रेंथ वीकनेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको यूजुअली तौर पे किस तरह रेफर किया जाता है, वो है कंट्रोलेबल एक्टिविटीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कंट्रोलेबल एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ये इंटरनल होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। उसके बाद है कैरेंस कंपनी जस्ट फिनिश मीटिंग विद द कंसल्टेंट हु डिलीवर्ड अ 4 ईयर प्लान ऑफ रिनोवेशन फॉर अ कंपनी। कैरेंस कंपनी ने जस्ट फिनिश किया मीटिंग को कंसल्टेंट के साथ, जिन्होंने डिलीवर किया 4 ईयर प्लान जो रिनोवेशन का कंपनी के लिए। सो विच पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप हैज बीन डिस्क्राइब इन दिस स्टेटमेंट। सो कौन सा हिस्सा जो है स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप का डिस्क्राइब किया गया है इस स्टेटमेंट के अंदर, वो है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ पीपल एट लार्ज स्केल, जब एक ऑर्गेनाइजेशन समझ जाती है लोगों की साइकी को लार्ज स्केल के ऊपर, रिसर्च के जरिए और मार्केटिंग एक्टिविटीज के जरिए टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ इस नॉन एज उसको जाना जाता है, किस तरह इवेल्यूशन ऑफ पब्लिक एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन, इवेल्यूशन एग्जामिनेशन पब्लिक एटीट्यूड की और ओपिनियन की। उसके बाद है आइडेंटिफाई विच ऑफ विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मॉड्यूल ऑफ सीआरएम, इन आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है मॉड्यूल ऑफ सीआरएम का, वो है फाइनेंशियल कंपोनेंट्स, फाइनेंशियल कंपोनेंट्स वो नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ सीआरएम, इनमें से कौन सा जो है फेज है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, एक बिजनेस जो रिलाई करता है सीआरएम सॉफ्टवेयर टूल के ऊपर और डेटाबेस के ऊपर, हेल्प करे कस्टमर कंपनी को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करे और रिवार्ड करे अपने मोस्ट लॉयल और प्रॉफिटेबल कस्टमर को, ताकि एक्सपेंड करे बिजनेस को टारगेटेड मार्केट के जरिए और रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम के जरिए। सो वो है रिटेन, इसका ऑप्शन है रिटेन। उसके बाद है द चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ ग्लोबल कस्टमर्स, जो चेंज आ रहा है डेमोग्राफिक्स के अंदर ग्लोबल कस्टमर के, हैज ट्रेमेंडस इम्प्लीकेशन ऑन द नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो कई सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, कई सारी इम्प्लीकेशन है, ट्रेमेंडस इम्प्लीकेशन है जो नेचर है अपॉर्चुनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन व्यू ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो इस व्यू के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, सही नहीं है। सो वो है दिस कैन ओनली बी रिगार्ड एज मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ टूडे, यानी कि इसको सिर्फ एक थ्रेट समझा जाएगा, जो चेंज आ रहा है उसको सिर्फ थ्रेट समझा जाएगा सर्वाइवल के लिए आजकल के ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इट विल ब्रिंग स्कोर्स टू देम। तो ये इनकरेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या बाकी चीज़ें क्या है कि ग्लोबल मार्केटर्स नीड टू फेस अ चैलेंज, फेस अप टू चैलेंजेस, चैलेंज की चैलेंज आएगा और देर हैज़ बिन रिडक्शन इन बर्थ रेट इन, और रिडक्शन होगी बर्थ रेट के अंदर बहुत से डेवलप्ड इकोनॉमीज में, और इसके अलावा बिजनेस नीड टू डेवलप एंड मार्केट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैटर चैलेंजिंग। सो बिजनेस को जरूरत पड़ेगी ऐसी मार्केट और प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो चेंजिंग नीड के मुताबिक हो। लेकिन जो ये बात की जा रही है कि मेजर थ्रेट है, सिर्फ थ्रेट है, सिर्फ थ्रेट है, अगर जो चेंज आ रहा है डेमोग्राफिक्स के अंदर ग्लोबल कंज्यूमर के, इसको सिर्फ थ्रेट, तो ये जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद है एनी प्रोडक्ट और सर्विस कैन डिलीवर, सो कोई भी सिंगल प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो डिलीवर कर सकती है क्या, डिफरेंट बेनिफिट डिफरेंट कस्टमर्स को, मुख्तलिफ बेनिफिट मुख्तलिफ कस्टमर को। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर एरिया ऑन विच कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको नहीं कंसिडर किया जाता मेजर एरिया जो है जिसके ऊपर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है फोकस होती है, वो है गेन करना कस्टमर नए कस्टमर के ऊपर और बिल्कुल फोकस ना करना एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो पहले से मौजूद है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता मेजर एरिया ऑन विच कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये जो है ये नहीं है। बाकी एक्सपेंशन करना कस्टमर बेस, रिडक्शन करना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करना प्रोसेस करना। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ड्राइव द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ड्राइव करती है यूटिलिटी प्रोडक्ट की, वो है कंज्यूमर, कंज्यूमर ड्राइव करता है। उसके बाद है कस्टमर कंप्लेंट्स आर हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर कंप्लेंट हेल्पफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट लीड्स टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, अगर इनको रिजॉल्व किया जाए कंप्लेन को तो उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। और फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर कंप्लेन, इनमें से कौन से बेनिफिट्स है कस्टमर कंप्लेन के, वो है क्रिएट न्यूसेंस,
उसके बाद है रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम ऑफ टीसीसीपी। सो टीसीसीपी जो एब्रीविएशन है ये किसकी है, ये है टोटल कस्टमर केयर प्रोग्राम की। उसके बाद है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एट विच टाइम। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो बनाए जाते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एट विच टाइम, एक्चुअली किस टाइम, तो वो करते हैं आफ्टर परचेज, खरीद ली कोई चीज़ उसके बाद जो प्रोवाइड करेंगे वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट करते हैं। उसके बाद है व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद इमीडिएटली जो है वो क्या हुआ, वो हुआ पावर ऑफ सप्लायर जो है वो इंक्रीज हो गया, उसके अंदर इजाफा हो गया जो सप्लायर की पावर थी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट कंसर्न विद स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इनमें से कौन सा टास्क जो है वो कंसर्न नहीं है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के साथ, मैनेजिंग द प्रोसेस ये भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक टास्क भी, एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट और सिचुएशनल एनालिसिस नहीं है। उसके बाद कंपनीज ऑफन फेल टू एनालाइज ब्रांड, कंपनीज अक्सर जो है वो फेल हो जाती हैं एनालाइज करने में ब्रांड्स को, कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़ को, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को, जिनका इम्पैक्ट होता है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है इनमें से कौन सा फेलियर स्ट्रेटेजिक प्लान्स का, वो है इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल रिएक्शन, अनेबल होना प्रेडिक्ट करने के लिए जो एनवायरमेंटल रिएक्शन है उसको। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, इनमें से तमाम स्टेटमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के सिवाय एक को छोड़ के, वो है कम्युनिकेशन इज स्टैटिक, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको MCQs करवाए गए, सॉल्व MCQs करवाए गए। आपको अगर ये फाइल हासिल करनी है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज के सॉल्व पेपर, करंट पेपर और पास पेपर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।